अगर आपने मन मना लिए है कि आपको इजराइली जाना है, इजराइल जाके ही काम करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ अच्छे ऑफिस का नाम बताऊंगा जहां से आप आंख बंद करके जा सकते हो, क्योंकि इजराइल के नाम से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारा छोटा मोटा ऑफिस जो ज्यादा काम नहीं किया है, जो टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से चलाता है, या फिर बहुत सारा एजेंट जो इजराइल के नाम से फ्रॉड कर रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ऑफिस का नाम बताऊंगा जहां से आप आंख बंद करके आप इजराइल जा सकते हैं। मैं जिस ऑफिस का नाम बताऊंगा, इस सब ऑफिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, बहुत सालों से काम कर रहा है, बहुत सारा बंदे को यूरोप कंट्री, गल्फ कंट्री भेजा है। इन सब ऑफिसों में इजराइल का अभी भी वैकेंसीज मौजूद है। अगर आपको इजराइल जाना है तो आप इन ऑफिस में जाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस नहीं रहता है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारा बंदा जो इजराइल का फेक नाम से वैकेंसीज निकाल रहा है, बहुत सारा बंदे के साथ फ्रॉड कर रहा है। सो मैं आपको बता दूँ, अगर आप जानते हो उन ऑफिस के बारे में, अगर इस ऑफिस सही काम कर रहे हैं, तब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस ऑफिस से जा सकते हो। लेकिन मेरे बताया गया ऑफिस से आप जाते हो तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप भी मेरे बात में सहमत होते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट पाने के लिए बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इजराइल जाने के लिए जो ऑफिस है वो एक नंबर जो ऑफिस है, मैं आपको बता दूँ, एशिया पावर। या दोस्तों, एशिया पावर, इसका ब्रांच मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोची में, बड़ौदा में इसका ब्रांच मौजूद है। आप जिस भी लोकलिटी पे आप हो, वहां से आप एशिया पावर ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट करके इजराइल के लिए जा सकते हो। दूसरा जो ऑफिस का नाम है वो है डायनामिक ऑफिस दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफिस का भी ब्रांच दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, कोची में है। आप इस ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट करके इजराइल के लिए काम करा सकते हो। तीसरा जो मैं ऑफिस का नाम बताऊंगा, वो ऑफिस का नाम है सियागुल इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोची में है, चेन्नई में है। अगर आप कलकत्ता से भी बिलोंग करते हैं तो कलकत्ता में भी इस ऑफिस को देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ से भी आप इजराइल का काम करा सकते हो। चौथा ऑफिस का जो नाम है वो आर के इंटरनेशनल, जो दिल्ली में है। आप आर के इंटरनेशनल से भी काम करा के आप इजराइल के लिए जा सकते हैं। पांचवा जो ऑफिस का नाम है वो है एचआर डायनामिक ऑफिस, जो मुंबई में, बिहार में, दिल्ली में, यूपी में मौजूद है। आप अगर वहाँ पे लोकली अवेलेबल है तो आप इस ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके, एचआर डायनामिक्स में कॉन्टैक्ट करके आप इजराइल जा सकते हो। जो लास्ट ऑफिस का नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है आम्बे कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आम्बे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भी एक पुराना ऑफिस है, जो बहुत सालों से गल्फ यूरोप का काम करता है। ये ऑफिस भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। इन छह ऑफिस में अगर आप काम कराते हो तो आपको कोई फ्रॉड होने का चांसेस नहीं, डरने का चांसेस नहीं। आप आंख बंद करके इस ऑफिस को विजिट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा ये ऑफिस कितना जेन्युइन है। आप जहां भी काम करा रहे हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में करिए, लेकिन इस छह ऑफिस में जो बताया, आप आंख बंद करके जाके काम करा सकते हो इजराइल के लिए। मैं आपको बता दूं, इस ऑफिसों में अभी क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल है। इस ऑफिस में अभी जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो है मेसन के लिए, टाइल्स मेसन के लिए, वॉल पेंटर के लिए वैकेंसीज है, प्लम्बर के लिए वैकेंसीज है, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन और शटरिंग कारपेंटर का वैकेंसीज बहुत सारा है। आप इन सब ट्रेड में इन ऑफिस से इजराइल के लिए जा सकते हो। अगर आप इजराइल जाते हो तो आपको 9 घंटे का 1,37,200 रुपीस मिलेगा। उसके बाद आपका एकोमोडेशन जो है आपका है, आपका रहना है, आप जो सैलरी मिलेगा उससे आपको भरना पड़ेगा आपका एकोमोडेशन, आपका फूड अलाउंस, हर चीज। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी था जो ऑफिस बताया, आप यहाँ पे जाके काम करा सकते हो इजराइल के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हर अपडेट पाने के लिए बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।